हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने सभी वीडियो को इतना पसंद किया, सराहा, साथ साथ में अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। आज हम लोग इस वीडियो में एक हिंदी के नए रूप के बारे में चर्चा करेंगे, वो है प्रयोजन मूलक हिंदी। आज हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रयोजन मूलक नाम से तो लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन ये बिल्कुल ही कठिन नहीं है। सबसे पहले हमें जानना है कि प्रयोजन मूलक हिंदी है क्या। तो सबसे पहले प्रयोजन का मतलब जानते हैं क्या है। तो प्रयोजन का मतलब क्या होता है? प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। मूलक का मतलब आधारित, मतलब जब कोई हिंदी किसी विशेष उद्देश्य पे आधारित होती है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए होती है, तो उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए है क्या, भाषा के बारे में जानते हैं। भाषा क्या है? भाषा जो है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, संप्रेषण करने के लिए भाषा एक सशक्त साधन है। सशक्त साधन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनचाहे की गुंजाइश नहीं होती है। हम जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से हम सामने वाले को बता देते हैं। तो इस प्रकार से जो भाषा है वो संप्रेषण का सशक्त साधन है, और जो व्यक्ति का मस्तिष्क होता है वो बहुत सृजनशील है। हर समय नए नए आइडियाज सभी को आते रहते हैं। किसी भी चीज़ को कितने अच्छे तरह से हमें प्रस्तुत करना है, व्यक्ति सोचता रहता है ना। मनुष्य का यह गुण ही उसे सभी मतलब प्राणियों में उसे सर्वश्रेष्ठ बना देता है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति है अपनी भाषा को कई तरह से उसको सजाकर, संवार कर, प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भाषा के दो रूप हमें सामने दिखाई देते हैं। दो रूप कौन से सामने हैं? एक वह रूप जिसमें व्यक्ति भाषा को बहुत सुंदरता के साथ सजाता है, अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करता है, ठीक है, जिसमें रस, छंद, अलंकार का प्रयोग करता है। इसलिए करता है ताकि उसकी भाषा और अधिक प्रभावकारी बने, है ना। तो यहाँ पे भाषा के दो रूप हमें सामने दिख रहे हैं। देखिए पहला क्या है, भाषा का पहला रूप क्या है? एक है सौंदर्यपरक, सौंदर्यपरक, ठीक है। सौंदर्य परक में व्यक्ति जो है अपनी भाषा को बहुत खूबसूरती से सजाता है और उसे अच्छे तरह से, अच्छी प्रकार से बोलने की कोशिश करता है। दूसरा जो होता है उसका है, दूसरा है प्रयोजन परक, मतलब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। दूसरा है प्रयोजन परक। प्रयोजन का मतलब क्या होता है मैंने ना, उद्देश्य। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, मतलब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो जब हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे हम प्रयोजन परक भाषा कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम प्रयोजन परक, भाषा के दो रूप हुए, सौंदर्य परक और प्रयोजन परक। सौंदर्य परक कब है? जब हम भाषा की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उसमें रस, छंद, अलंकार, अच्छे अच्छे शब्दों का जब हम चयन करते हैं तो वो रूप जो है भाषा का सौंदर्य परक रूप कहलाता है। और प्रयोजन परक मतलब जब हम भाषा को किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं तो वो प्रयोजन परक भाषा कहलाते हैं। तो प्रयोजन परक भाषा जो है ये भी दो प्रकार की हो जाती है। मतलब हमारे जीवन में उद्देश्य के आधार पर हम बहुत सारे काम करते हैं। सुबह से लेकर के रात तक देखिए आप कई तरह के लोगों से मिलते हैं, है ना। उसमें हो सकता है मम्मी पापा हैं, अंकल आंटी हैं, चाचा मामी ताया, उन लोग जो भी हैं, ताई उन लोग भी हैं, साथ ही साथ में पड़ोसी हैं, फिर दुकानदार है, बस में जाते हैं तो बस कंडक्टर है, स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो फिर प्रिंसिपल है, टीचर है, लेक्चरर है, किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ का बाबू है, साहब है, बहुत सारे लोग से मिलते हैं, है ना। तो उस आधार पे हमें दिन भर कई लोगों से बात करनी पड़ती है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग सबसे बातें करते हैं तो हमारी बात करने की शैली सब जगह अलग अलग होती है। जैसे यदि हम अंकल आंटी से बात करते हैं तो हमारी शैली अलग होती है। यदि हम दुकानदार से बात करते हैं तो हमारी शैली अलग होती है। यदि हम प्रिंसिपल से बात करते हैं अपने स्कूल या कॉलेज में तो हमारी शैली अलग होती है। यदि हम किसी बैंक में वहाँ पे जाकर के पैसे निकालने के लिए कैशियर से बात करते हैं या फिर कोई बाबू क्लर्क से बात करते हैं तो हमारी शैली अलग होती है, है ना। तो उस आधार पर, हमारे उद्देश्य के आधार पर हमारी शैली भी बदलते रहती है। तो इस आधार पर हम यहाँ पे प्रयोजन के दो आधार मिलते हैं। पहला है सामान्य प्रयोजन और दूसरा है विशेष प्रयोजन, ठीक है। सामान्य प्रयोजन, विशेष प्रयोजन। सामान्य प्रयोजन के अंतर्गत क्या है कि हम जैसे सभी लोग से बात करते हैं, कंडक्टर से बात किए, दुकानदार से बात किए या फिर अंकल आंटी से बात किए, सबसे बात किए, उसे सामान्य प्रयोजन कहते हैं। विशेष प्रयोजन उसे कहते हैं कि जब हम किसी विशेष लोग से, विशेष पर्पज से, अपने विशेष उद्देश्य को लेकर के जब हम किसी से मिलते हैं
तो उसे हम विशेष प्रयोजन कहते हैं। सामान्य प्रयोजन की जो भाषा होती है, जो भाषा का प्रयोग करते हैं सामान्य प्रयोजन में, उसे कहीं भी सीखने जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपने आप सीख जाते हैं कि समाज में इतने लोग हैं, हमें किससे कैसे बातें करनी है, वो हम अपने आप सीख जाते हैं। लेकिन जो विशेष प्रयोजन है, इसको, इस भाषा को हमें सीखने के लिए कहीं ना कहीं जाने की आवश्यकता पड़ती है। हम इसे इतनी आसानी से नहीं सीख पाते। मतलब विशेष प्रयोजन में प्रयोग की जाने वाली भाषा वह विशेष भाषा होती है जो विशेष लोगों के द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए और विशेष जगह पे जाके सीखी जाती है। वही भाषा जो है ना, वो विशेष प्रयोजन प्रयोग करने वाली भाषा जो है वो प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। यही भाषा जो है प्रयोजन मूलक है। जैसे कि मान लीजिए, यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, या कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है, या कोई व्यक्ति फिर वकील बनना चाहता है, या चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता है, कोई व्यक्ति जो बनना चाहता है, तो यदि उसे व्यक्ति को बनना है तो उसे उसके सभी भाषाओं, उसके सभी शब्दों की जानकारी उसे होनी चाहिए। उसे सामान्य, उसके जो सभी शब्द होते हैं वो सामान्य जगह तो नहीं बोले जाते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद वहाँ उसकी जो भाषा होती है, मेडिकल कॉलेज की जो भाषा होती है, उसे उसे सीखनी पड़ेगी। जब वो मेडिकल कॉलेज की भाषा को सीखेगा तभी जा करके उस मेडिकल कॉलेज में जो भी उसको ज्ञान दिया जा रहा है तो उस भाषा के माध्यम से वो उसे ग्रहण कर पाएगा। उसी प्रकार यदि कोई मान लो वकील बनना चाहता है तो उसे लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, और उसे फिर जा करके जो लॉ की जो भाषा होती है, जो वकील बनने के लिए जो आवश्यक है जो भाषा होती है, तो उसे सीखने के लिए उसे वहाँ जाना पड़ेगा और फिर जा करके उसे सीखनी पड़ेगी, तभी वो उन शब्दों के बारे में जान पाएगा। जैसे मान लीजिए अभियुक्त है, ऐसे सामान्य रूप में लोग क्या जानेंगे अभियुक्त का मतलब क्या है, निषेधाधिकार है, निषेधाधिकार सामान्य लोग क्या जानेंगे क्या बात है। तो ये जो है विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा है जो विशेष लोगों के द्वारा ही बोली जाती है। तो वो भाषा जो विशेष लोगों के द्वारा विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वही भाषा जो है प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। और वही हिंदी जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है, उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। तो प्रयोजन का मतलब हो गया उद्देश्य, और मूलक का मतलब होता है आधारित, मतलब जो विशेष उद्देश्य पे आधारित होती है जो भाषा, वही भाषा प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। हिंदी के परिप्रेक्ष्य में प्रयोजन मूलक हिंदी, जो जब हिंदी का हम किसी विशेष रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। देखिए, जो भी हिंदी रहती है, हिंदी जो है उसका प्रयोग तो सदियों से चला आ रहा है, बहुत दिन से चला आ रहा है। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे भाषा थे, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, बहुत सारे भाषा थे जो धीरे धीरे उनका अस्तित्व कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि वो जो थे उस सौंदर्य परक रूप में तो बहुत अच्छे से रहे, साहित्य में बहुत अच्छे से रहे, लेकिन वो प्रयोजन परक रूप में नहीं आ पाए। प्रयोजन पूरक परक रूप में जब कोई भाषा आ जाती है, जब किसी उद्देश्य की पूर्ति उससे जब होने लग जाती है, तब वो भाषा जो है ना बिल्कुल दीर्घायु हो जाती है, बहुत दूर तक चली जाती है। तो उसी प्रकार से हिंदी को जब राजभाषा का दर्जा दिया गया, तब उसको प्रयोजन परक रूप भी दिया गया है, तब ताकि हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। अभी हिंदी जो है विश्व में बोली जाने वाली द्वितीय भाषा में इसकी गिनती होती है ना। तो इस प्रकार से हिंदी में बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंदी में बहुत कार्य किए जा रहे हैं। जैसे तकनीकी शब्दावली आयोग वाले जो हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली वाले आयोग वाले जो हैं, उन लोग भी दिन प्रतिदिन नए नए शब्दों की रचना कर रहे हैं, ताकि हिंदी को और भी अधिक सुगठित बनाया जा सके। साथ ही साथ में हिंदी न केवल सौंदर्य की भाषा रहे, ना केवल साहित्य की भाषा रहे, साथ ही साथ में प्रयोजन की भी भाषा रहे। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो प्रयोजन पर भाषा जो है, प्रयोजन मूलक जो हिंदी है, उसके क्या क्या, मतलब उसकी प्रयुक्तियाँ क्या है। प्रयुक्तियाँ, यदि हम लोग प्रयुक्तियों के बारे में सोचें तो प्रयुक्तियाँ क्या है, भाषा के प्रयोग पर आधारित प्रयोग, ठीक है ना, भाषा के प्रयोग पर आधारित प्रयोग जो है उसको ही हम क्या बोलेंगे, प्रयुक्ति कहेंगे। कितने रूप है, तरह समझिए उसे, कितने रूप में हम लोग उसको जान रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो है इसकी साहित्यिक प्रयुक्ति। साहित्यिक प्रयुक्ति जो है ये तो बहुत दिन से चली आ रही है साहित्य में, हिंदी का जो प्रयोग जो है साहित्य में बहुत समय से चला आ रहा है ना। कई तरह की गद्य पद्य की विधाएं इसमें रचित रचना की जा रही है, इस आधार पर एक हिंदी का एक रूप है। दूसरा है वाणिज्यिक प्रयुक्ति, वाणिज्यिक प्रयुक्तियाँ के अंतर्गत हिंदी जो है अब वाणिज्यिक भाषा भी बनते जा रही है। मतलब व्यापार की भाषा
है ना, वहाँ पर व्यापार की भाषा, वाणिज्य की भाषा, बाजार की भाषा, जहाँ पे लेन देन की काम जो चलता है, वहाँ पर जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे वाणिज्यिक हिंदी कहते हैं, ठीक है ना। एक तो साहित्यिक हिंदी हुआ, जहाँ पे गद्य पद्य ये सब रूप में साहित्य के रूप में जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वो साहित्यिक हिंदी है, और जहाँ पर लेन देन बाजार व्यापार ये सब में जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ उसे वाणिज्यिक हिंदी कहते हैं। अगला है कार्यालयीन हिंदी, मतलब जब से राजभाषा हिंदी जो है, जब से राजभाषा बनी है तब से कार्यालयों में भी अब प्रयुक्त की जा रही है। कार्यालयों में औपचारिक अनौपचारिक दो रूपों में वह प्रयोग में आती है, तो जहाँ पे औपचारिक रूप में जब प्रयोग में आती है तो कार्यालय की भाषा बन जाती है। तो कार्यालय में जितने भी पत्र लिखना या फिर किसी को कुछ सूचना भेजना, कुछ जितने भी कार्यालय के जो काम होते हैं, जब उसमें हिंदी का प्रयोग किया जाता है तो उसे कार्यालयीन हिंदी बोलते हैं। उसी पर अगला देखिए राजभाषा। अब जो हिंदी जो है राष्ट्रभाषा के साथ साथ हमारी राजभाषा संपर्क भाषा भी बन चुकी है, तो राजकार्य में जितने भी भाषा का प्रयोग, राजकार्य करने के लिए जो भी जितने भी कार्य किए जाते हैं वो अब हिंदी में ही की जाती है। अब विज्ञापन एवं मीडिया, तो विज्ञापन और मीडिया में भी हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी के जितने भी रूप यदि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो सबकी एक अपनी अलग अलग विशेषता होती है। मतलब साहित्य के रूप में जो हिंदी बोली जाएगी वो बिल्कुल अलग होगी, व्यापार के लिए जो हिंदी बोली जाएगी बिल्कुल अलग होगी, मीडिया में जो मीडिया विज्ञापन और मीडिया में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाएगा वो बिल्कुल अलग ही होगा। आजकल देख रहे हैं कि विज्ञापन और मीडिया में भी हिंदी का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ता चला जा रहा है। अगला है विधि एवं कानूनी भाषा, मतलब पहले देखिए जितनी भी विधि के किताब, विधि के जो किताबें होती थी, साथ ही साथ विधि की जो शिक्षा होती थी, सभी अंग्रेजी में ही हुआ करती थी। लेकिन अब जो है धीरे धीरे विधि में भी और कानूनी भाषा में भी हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। तो अभी जो है धीरे धीरे विधि और कानूनी भाषा में भी हिंदी का प्रयोग हो जा रहा है, तो वहाँ भी प्रयोजनमूलक हिंदी है, और वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा में, साथ ही साथ में वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा में भी हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। नित्य नए नए शब्दों को गढ़ा जा रहा है, उसका अनुवाद किया जा रहा है, तो इस प्रकार से हिंदी जो है वो वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हिंदी है उसके हमें 7 रूप हमें सामने देखने को मिलते हैं, उसकी प्रयुक्तियाँ 7 तरह की प्रयुक्तियाँ, मतलब साहित्य में, वाणिज्य में, कार्यालय में, राजभाषा में, विज्ञापन और मीडिया में, विधि और कानूनी भाषा में, वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा में। तकनीकी भाषा मतलब डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, मतलब जितना भी रहता है उस तरह से सभी अभी जो ज्ञान है हिंदी में देने की कोशिश की जा रही है और दी जा रही है। कोशिश क्या की जा रही है, दी जा रही है। तो उसमें जो भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा में जो प्रयोग किया जाएगा उसे ही हम कहेंगे प्रयोजनमूलक हिंदी। और इसकी विशेषताएं आइए देखते हैं। इसकी विशेषता है प्रयोजनमूलक हिंदी क्या विशेषता है, प्रयोजनीयता, अनुपयुक्तता, मतलब इस ये जो है ना हमारी जो प्रयोजनमूलक हिंदी है वो प्रयोजनीय है। किसी भी चीज़ में यदि हम उसका प्रयोग करें तो हम आसानी से उसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इसका शब्द भंडार इतना अधिक विशाल है कि इसे हमें किसी भी रूप में, किसी भी रूप को देने में हमें उसमें दिक्कत नहीं होती है। इस तरह हम लोग उद्देश्य के आधार पर देखते हैं, इस तरह हम लोग उद्देश्य मतलब प्रयोजनीयता के आधार पर देखते हैं कि जो हमारी हिंदी है, जो हमारी हिंदी है वो अपने सभी उद्देश्यों में पूरी तरह से फिट बैठ जाती है। मतलब यदि साहित्य के रूप में प्रयोग करना चाहें, वाणिज्य के रूप में करना चाहें, कार्यालय हिंदी के रूप में करना चाहें, राजभाषा में करना चाहें, विज्ञापन मीडिया में करना चाहें, विधि और कानूनी भाषा में करना चाहें, वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा के रूप में प्रयोग करना चाहें, तो हमारे हमारा जो भी प्रयोजन होता है वो उसमें सटीक बैठ जाता है। उसकी दूसरी विशेषता है वैज्ञानिकता, मतलब जो हिंदी है वो हमारे बहुत वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक भाषा का मतलब क्या होता है कि ध्वनि और लिपि में पर्याप्त सामंजस्य है, मतलब इसमें जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, अन्य भाषा में आप जानते हैं किस तरह का नहीं होता है। तो ये जो है वैज्ञानिक मतलब तर्कसम्मत भाषा है। अगला है सामाजिकता, मतलब जिस रूप में भी हम इसको प्रयोग करना चाहें हम उसको उसी रूप में ढाल लेते हैं, हमारे समाज के, हमारे व्यवहार के अनुसार यह ढल जाती है। भाषा वैशिष्ट्य, भाषा वैशिष्ट मतलब इसकी अपनी विशेषता है, मतलब जो विधि और कानून की भाषा है, जो विज्ञापन और मीडिया की भाषा है उसमें बिल्कुल अलग अलग होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो भी भाषा रहता है उसकी एक अपनी विशेषता हो जाती है। मतलब जो कानून की भाषा है या फिर जो तकनीकी की भाषा है या फिर जो वाणिज्य की भाषा है तो इसमें बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। हम आसानी से जान जाते हैं कि ये विधि की शब्दावली है, ये साहित्य की शब्दावली है। तो उस आधार पर यह यहाँ जो है भाषा वैशिष्ट्य के अंतर्गत इसके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता है इसकी, ये 4 विशेषताएं जिसके आधार पर प्रयोजनमूलक हिंदी जो है ये
सभी क्षेत्रों में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। और आइए हम लोग आगे देखते हैं इसकी सीमाएं क्या हैं। सीमाएं मतलब इससे क्या हम परेशानियां हो रही हैं या क्या इसकी हानियां हैं। इसमें सबसे पहला है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली, तकनीकी की दुरू शब्दावली, मतलब इसमें जो भी शब्द हैं थोड़े कठिन शब्द होते हैं, इसे याद करने में थोड़ी दिक्कतें होती है। फिर अनुवाद के कारण क्लिष्टता, मतलब क्या है कि जब हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसमें हम भावों को न ध्यान देते हैं, बस केवल अनुवाद कर देते हैं, तो जिससे हमें याद करने में थोड़ी कठिनाई आ जाती है। फिर नई ऐतिहासिक शब्दावली का निर्माण, मतलब जो नए नए शब्द का निर्माण हो रहा है तो उस शब्द से हम यूज्ड टू नहीं है, जब हम उससे यूज्ड टू नहीं है तो होता क्या है कि वो शब्द हमें बहुत कठिन लगते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, प्रयोग में लाना है, तभी वो जाके आसानी से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी जो है इसकी विशेषताएं तो बहुत सारी विशेषताएं हैं और वो हर क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम भी कर रही है, और कुछ सीमाएं हैं तो इन सीमाओं को दूर भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो हमारी हिंदी है वह विश्व स्तर पर अपनी पहचान बहुत अच्छे से बना रही है और इसकी पहचान को और आगे बढ़ाने में हम लोगों को भी मदद करनी है। जितना हो सके हिंदी पढ़ना है और इसका प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि हिंदी जो है यही हमारी शान है, हमारे भारतवर्ष की विश्व में एक अपनी अलग पहचान दिलाती है। तो इस हिंदी के संदर्भ में बस जय हिंदी कहते हुए हम लोग आज का जो क्लास है यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।